कक्षा सात पाठ दो दादी माँ। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अदगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिड़ुआ और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दो दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई,
दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धनो, रुपया में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़कर दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गया बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हसाई ना हो। देवता है बेटा देवता, उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोपत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन के सूखे पत्ते सा कैसे नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं
जो धोखा दिया, वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनके माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भस्म देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपने घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।